नमस्ते, मेरा नाम अनुशील चक्रवर्ती है। आई एम 24 ईयर्स ओल्ड और मेरा बॉर्न एंड ब्रॉटअप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में हुआ है, जिसका कैपिटल सिटी है पोर्ट ब्लेयर। मेरा जो पूरा लाइफ रहा है सब मार्शल आर्ट्स पे ही था। आई एम अ फोर्थ डैन ब्लैक बेल्ट और जो मैंने पहला अपना ब्लैक बेल्ट लिया था वो डेनवर कोलोराडो यूएसए से लिया था। देन आई हैव बीन टू 7 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मैंने इंडिया की तरफ से भी खेला है, देन मैंने इंडिया के लिए बहुत सारे मेडल्स भी जीते हैं। तो उसमें से सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट था जब मैंने वर्ल्ड कप कराटे टूर्नामेंट जो केप टाउन साउथ अफ्रीका में हुआ था उसमें मैंने गोल्ड एंड ब्रॉन्ज जीता था इंडिया के लिए। देन उसके बाद बचपन से शौक थी कि मैं एक्टिंग करूँ, लेकिन ये मुझे पता नहीं था कि कैसे मतलब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना मैंने मतलब मार्शल आर्ट में इतना टाइम दे दिया था कि बस एक चाहत थी कि मैं करूँ एक्टिंग। मैं हमेशा ड्रीम करता था कि मैं रोमांटिक या एक्शन फिल्म में करूँ, अपनी मार्शल आर्ट की स्किल्स दिखाऊँ और अपना जो एक्टिंग का मेरे अंदर थोड़ा बहुत जो भी कैलिवर है उसको थोड़ा निखार पाऊँ, दिखा पाऊँ कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ। तो स्टार्ट ऐसे हुआ, एक कॉन्टेस्ट आया था 2015 में आइलैंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस्टर एंड मिस अंडमान का, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। तो सभी ने काफ़ी सपोर्ट किया कि आप कर सकते हो, तो उस पर डांस भी करना था देन ऑल। तो ये एक्चुअली मॉडलिंग से मैंने स्टार्ट किया, तो इवेंचुअली ये कॉन्टेस्ट मैंने जीता। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि चलो अब मुंबई में जाके एक्टिंग का कोर्स करते हो। तो आई एम ऑलरेडी हैविंग अ डिप्लोमा इन एक्टिंग। उसके बाद क्यों मुझे कम्प्लीटली पता नहीं था कि कहाँ पे ऑडिशंस देने के लिए जाते हैं, कहाँ पे ऑडिशंस होते हैं। तो उसके बाद मैं मनोज सर से मिला। मनोज सर ने मुझे बोला कि आप अपने एक्टिंग में और थोड़ा काम कीजिए, इम्प्रोवाइज कीजिए, यहाँ की फैकल्टीज बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और उसके बाद मनोज सर जो है मेरे स्किल से काफ़ी इम्प्रेस हुए, तो उन्होंने जो अपनी होम प्रोडक्शन की मूवी है स्टूपिड लवर्स उसमें मुझे कास्ट किया एज अ लीड रोल। और मेरे पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है, अगर उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। और जो है स्टूपिड लवर्स मूवी अभी आने वाली है, उसका शूट भी जल्दी शुरू होगा। तो आप सबसे ये गुजारिश है कि आप देखिए और बहुत सारा प्यार दीजिए। थैंक यू।